एनसीपी के नेता नवाब मलिक का एक ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। हम होंगे कामयाब का जिक्र भी यहां पर किया गया है। तो ये ट्वीट नवाब मलिक का, जिन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था और अजीत पवार से यहां पर एक तरीके से अपील की थी, वो कोशिश की जा रही थी उनके जरिए मनाने की और कहा था कि जो हो गया उसे भूल जाइए और गलती को स्वीकार कर लीजिए, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप वापसी कर लीजिए। लेकिन उसके बाद कोई रिएक्शन उस पर नहीं सामने आया। हालांकि जब मुलाकात की गई तो उसमें भी ना ही कहीं ना कहीं अजीत पवार की सामने आई। और अब एक और ट्वीट आज के दिन का एनसीपी के नेता नवाब मलिक का, जिसमें कहा है कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की और हम कामयाब होंगे। और एक कामयाबी किसको लेकर, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार को बनाने की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार बनाने की एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार किस बात को लेकर कामयाब होने का जिक्र यहां पर नवाब मलिक के जरिए किया जा रहा है।